मेरे गलती बता दो भाई, आपने मोबाइल फोन पे बात कर रहा है, आप जो कहोगे वो करोगे, मोबाइल फोन पे बात कर रहा है, बता दो मेरे मोबाइल फोन पे बात करिए, नहीं करिए तो आप बता, आप कहोगे जो कर दूंगा मैं, आप झूठ बोल रहे हो, कोर्ट में बता देना मुझे, कोर्ट में वो बोल दूंगा मैं, अगर मैंने इतनी सी भी गलती की है तो मेरी गलती का बता दो आप, गलती का चालान भाई आपने ये गलती की है बताओ, आप चालान काट रहे हो, किस बात का चालान काट रहे हो मेरे को बताओ एक बार, कोई मैं पहला आदमी हूँ जो गाड़ी पे दूध बेच रहा हूँ पूरे जयपुर में, मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा या मैंने बेल्ट नहीं लगा रखी, मैंने फोन पे बात कर रहे हो, कब कर रहे हो आप, लिखवा के लिख के दे दो, झूठ बोल रहे हैं आप मेरे से, झूठ बोल रहे हैं आप, सामने कहो ईमानदारी से बोलो, ठाकुर जी के सामने बोलो, आप ठाकुर जी के सामने बोलो कि आपने मैंने मोबाइल पे बात कर रखी है, आप ठाकुर जी के सामने कसम खा के बोल दो कि मैंने मोबाइल पे बात कर रखी, तो आप कहोगे जो कर दूंगा, जितने का चालान कटाओगे कटा लूंगा मैं, केदार जी मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने गलती नहीं की है, जबरदस्ती कर रहे हो आप, गाड़ी देख के गाड़ी नंबर मैं बता रहा हूँ आपको, गलती कर रहे हैं बिना मतलब, यार मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने सब कुछ है मेरे पास, यार मैंने कोई गलती नहीं की, आप गलती का बताओ, फोन वाला सिस्टम बंद करो, क्यों करूँ बंद मैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं चालू रख भाई, मैंने कोई गलती की है तो बताओ भाई, मेरी गलती बताओ आप, आप गलती बताओ, अरे मेरे को झूठ बोल रहे हैं, अरे ये लो, अरे मैंने फोन ही नहीं चला रखा, कान पे फोन ही नहीं, अरे कोई गलती नहीं है महाराज, रोकने की कोई गलती नहीं है, रोकने का रीजन बताओ मुझे, तो आपने चलती गाड़ी को रोका उसका रीजन बताओ, नहीं मेरे पास सब कुछ है, मेरी लाइसेंस, गाड़ी का कागज, RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सब कुछ है, चलती गाड़ी को रोके बिना मतलब, मेरे को झूठ बोल रहे हैं, अरे झूठ बोल रहे हैं मेरे को, झूठ बोल रहे हैं मेरे को कि आपने फोन पे यूज करे, देखो झूठ बोल रहे हैं, अरे ठाकुर जी से तो डरपो, अरे आपको थोड़ी रोका है, क्यों मेरे को रोका है भाई, मैं कह रहा हूँ भाई मेरी कोई गलती है तो रोको, अरे मेरी गलती है तो मेरे को बताओ, मेरी गलती है तो बताओ, आप मंदिर जाके आओ ना, मंदिर जाके आओ ना, गलती मंदिर गए हो ना, गलती ठाकुर जी से डरते हो ना, आप मेरे से जिरे मत करो, ठाकुर जी से डरते हो ना, जिरे मत, मंदिर गए टीका लगा रखा ना आपने, मैं भी मंदिर जाता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, मेहनत की खाता हूँ, आपको मेरे को बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि आपने फोन पे बात कर रहे हो, मेरा कोई गलती नहीं है, मेरे को पता था रोकने में मतलब है, गाड़ी का कागज, इंश्योरेंस, IC, पॉल्यूशन सब कुछ है गाड़ी का, तो बोल दिखाओगे ना, ये बोल रहे हैं कि आपने गाड़ी पे टंकी ढाक रखी, मैंने अकेले ढाक रखी है, अरे मैंने अकेले ढाक रखी है क्या, दूध बेच रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, ये बोल रहे हैं दुनिया तो डाका डाल रही है, मैं डाका टोल डाल रहा हूँ यार, बिना मतलब मैं नाम लिख रहा, बिना मतलब बात मत करो, किससे लाइसेंस कागज दे रहे हो तो आप मेरी बात सुनो, मेरी गलती बता दो, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, गलती बता दी मैंने, क्या गलती है मेरी, क्यों गाड़ी रोकी है आपने, रोकने के बाद आप मेरे को गाड़ी की चाबी निकाल ली आपने बिना मेरी इजाजत के, और चाबी जेब में रख ली, मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो आप, मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि आप फोन पे बात कर रहे हो, ये सच है कि झूठ, केदारनारायण जी बताओ मेरे को, आप मेरे को ये चीज बताओ, मेरे को गलती बताओ, मेरी गलती बताओगे तो मैं आप जो बोलोगे कर लूंगा, यार मैं सब कुछ दे दूंगा आपको, बोलो मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने गलती की नहीं, जबरदस्ती क्यों मेरे को परेशान किया जा रहा है, आप मैं यार मैंने गलती की होती तो आप बताओ एक बात बताओ, यार मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, आप कोई चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, पिताजी का नाम बोलो, कैलाश चंद शर्मा, क्या हुआ क्या, मैंने गाड़ी सब कुछ कर रखा है, मेरा गाड़ी है, नई गाड़ी अभी ली है, एक महीना हुआ है, सारी चीजें, इंश्योरेंस, आयुष्मान, पॉल्यूशन सब कुछ है, और फिर मेरे को बोल रहे हैं कि आपने जबरदस्ती गाड़ी रोक ली, तो ये कोई मतलब तो है ना, तंबूरे टांग रखे हैं, अरे तो मैंने पहला, मैं राजस्थान के अंदर पहला आदमी हूँ या इंडिया में पहला आदमी जो मैं दूध बेच रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई क्या, चालान होगा क्या सबका, किसी का नहीं होता, कम से कम 50,000 लोग दूध बेचते हैं, आप किसी का बता दो कि चालान काट रहा है, मैं 50,000 आपको यार जयपुर में, पूरे राजस्थान में, पूरे जयपुर में घूम रहा हूँ, अभी तक आप एड्रेस बताइए, मेरा एड्रेस है टोंक निवाई, ग्राम पोस्ट चैनपुरा, तहसील निवाई, जिला टोंक, राजस्थान, उम्र बताओ, मेरी 33 साल, आप बिना वजह के ये लिख रहे हो, बिना वजह के लिख रहे हो, बिना कोई कारण के, बिना किसी वजह से आपने मेरे को बिना मतलब में रोका है, और रोक लिया वो अच्छी बात है, पर आपको ये पूछना चाहिए कि भाई साहब आपके पास ये है कि नहीं है, आपकी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी खुद की पर्सनल गाड़ी है, कोई बात, ये आप गलत कर रहे हो सर, बिना वजह से मेरी गाड़ी की चाबी निकाली है, झूठ बोल रहे हो मेरे को कि आपने फोन यूज कर रहे हो, मैं कोई फोन यूज नहीं कर रहा, केदार नारायण जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहे हो, ये जबरदस्ती चालान काट रहे हो मेरा, जबरदस्ती मेरे को परेशान कर रहे हो आप, आपके मोबाइल नंबर बताओ, 8764 0 8764 0 3993 0 3993 0
3। साइन कर रहे हो या नोट? साइन क्यों करूंगा, साइन करूंगा ना मैं। बताओ मेरी गलती बताओ, पर गलती लिखो इसमें, गलती लिखो। आप पहले गलती लिखिए, आप पहले गलती लिखिए, कारण लिखिए इसमें, कारण लिखिए इसमें कि मैंने क्या गलती की है। हेलमेट नहीं लगा रखा मैंने, कोई चीज गलती करी है मैंने, लाइट कूदी है, मैं बत्ती कूदी है, या मैंने कोई क्रॉसिंग किया है, कोई चीज करी है, आप उसमें लिखिए गलती। आप कुछ भी लिख दीजिए इसमें, लिखने से आप सत्य को छुपा नहीं सकते। मेरे को झूठ बोल रहे हैं आप, मैंने फोन पे बात कर रहा हूँ मैं। एक बार उसको बुला, बेरुको, उसके नंबर कितने हैं? बुला लो, नंबर कितने हैं उसके, नंबर बताओ, बुला लो। आप कोई चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, पर्चा बना रहे, सरकारी कागज खराब कर रहे हैं आप। केदार जी ऐसा नहीं होता है, ये जबरदस्ती है, जाति ईगो है आपका, ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। बोलते रहो आप, ये गलत है। क्या करोगे आपसे जिरे क्यों करूंगा? क्यों करोगे मेरे से जिरे? क्योंकि मैंने गलती नहीं की। अब आप गलती, आप ईगो, अपना ईगो कर रहे हो। गलती नहीं मानता आप, बताइए मुझे गलती क्या की मैंने। मत मानो, आप मुझे बताइए गलती क्या की मैंने। मैं पीसीआर बुलाऊंगा दादा। मैंने गलती क्या की है? आप मैंने गलती क्या है? बुलाओ पीसीआर को। एक मिनट रुको, मैंने गलती क्या की है बताओ। एक मिनट सेट देना, मैं अभी करता हूं। हां मेरी गलती बताओ, आप बुलाओ सेट देना प्रेम। नहीं नहीं गलती क्या की है बताओ मेरे को, और बोलो तेज जोर। हां तो आपने गलती क्या की है मैंने बताओ मेरे को। मोबाइल फोन पे है। नहीं बात करिए, झूठ बोल रहे हो आप, झूठ बोल रहे हो केदार जी। मेरे बात क्यों मर रहे हो, ठाकुर जी के मंदिर गए हो आप, झूठ बोल रहे हो, अभी भी आप कह दोगे भाई साहब, अरे मंदिर जाते हो अब तो सच बोलो, अपने आप को कुछ झूठ तो, ठाकुर जी के से डरो, ये पद का गलत उपयोग कर रहे हो आप, गलत उपयोग कर रहे हो अपने पद का। मैंने कोई गलती नहीं तोड़ी, कोई गलती नहीं की, आप जबरदस्ती आप मेरी गाड़ी का वो कर रहे हो, चालान कर रहे हो, बिना वजह में सरकारी कागज खराब कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ऐसा कोई होता है कि जबरदस्ती करते हैं ऐसे? आप बात ही नहीं करोगे, आम जनता को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, नियायती बदतमीज तरीके से। मुझे धमकी दे रहे हो, पीछे आप लोगों को बंद करा दूंगा, थाने में मैंने चोरी की है। अरे कॉमर्शियल नहीं, आप पूरे जयपुर में, पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान के अंदर, आप कहीं भी इंडिया में कहीं भी दूध मोटरसाइकिल में बिक रहा है। आप इस चीज को समझते होगा, आप समझते होगा, आप देखते हो क्या? आप एक चीज, एक नाजायज, मैंने गाड़ी के कागज नहीं है, मेरे पास आईसी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, गाड़ी पुरानी है, कठाड़ा गाड़ी है, तो आप जो बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। गाड़ी मेरी नहीं है, सारी चीजें नहीं है, फिर ये क्यों कर रहे हैं? ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे आप प्रेम जी, गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। कानून सिखा के जा रहा आप, कानून नहीं सिखा रहा मैं, गलत शब्दों का प्रयोग मत करो मेरे सामने। मैं गलत कानून, आप जबरदस्ती चालान काट रहे हो, जबरदस्ती नाम लिख रहे हो, जबरदस्ती गाड़ी को कर रहे हो, ये गलत है और ये गलती है प्रेम जी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? चिल्लाते रहो आप, हमारे को कुछ भी बोलते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हारे को। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपने पहले बोल दिया, पहले आपने बोल दिया ऑलरेडी। भाई साहब आप बताओ, गाड़ी का चालान काटेंगे उसका क्या कारण है? कोई रीजन तो होना चाहिए ना कि गाड़ी को रोक ली। ठीक है आप समझाओ तो भाई, ये बात है भाई, ये बात है, पूरी दुनिया में दूध बेच रहे हैं लोग। लिखो आराम से, लिखो जो लिखना है तुम्हें, जज के सामने मैं तो पेश होऊंगा, क्या दिक्कत है? अभी भी आप कोई कागज हो तो कागज दे रहे हो ओरिजिनल, तो आप कागज दे सकते हो नहीं? मेरे तो बिना वजह मेरी गाड़ी रोकी है वो भी लिखो। आप कागज देना चाह रहे हो? मेरी गाड़ी बिना वजह रोकी है, बिना किसी कारण से। जब रीजन बताओ मुझे आप, गाड़ी को रोकने का रीजन बताओ। बार बार नहीं बताऊंगा, गाड़ी का रोकने का रीजन बता दो आप तो मेरे को। भाई गाड़ी रोकी है और गाड़ी के बाद गाड़ी में ये व्यवस्था खराब है, आप उसमें लिखो बाकायदा, तब मैं मानूंगा आपकी बात को। भाई गाड़ी में यह कारण था इसलिए मैंने गाड़ी रोकी है, इसलिए मैंने गाड़ी को रोका है, इसलिए चालान कर रहा हूँ मैं। बनाते रहो वीडियो, मुझे रीजन बना दो। बनाते रहो वीडियो, बढ़िया हाँ बनाऊंगा, जो सारे बनाएंगे सुबह शाम तक। वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, हकी हकी के झूठ का झूठ दिखा रहा हूँ इसमें, इसमें हकीकत बोल रहा हूँ मैं आपके लिए। आप कह रहे हो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, मैंने फोन पे बात नहीं कर रहा हूँ, झूठ बोल रहे हो मुझसे। पहली बात, मेरी गाड़ी नहीं है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, बिना वजह ही कागज दे रहे हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कागज दे रहे हो?
आप मेरे को रीजन बता दो, कागज दे रहे हो, मैंने बता दिया रीजन, आप कागज दे रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूं किस कारण से गाड़ी को रोक लिया गया, किस कारण से गाड़ी से चाबी निकाली आपने, कागज दे रहे हो, गाड़ी से चाबी निकाली आपने, बिना मेरी इजाजत के गाड़ी से मेरी गाड़ी से चाबी निकाली, कागज दे रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, पहले मेरा पहला पैर मेरा पक्ष होगा कि मैंने बिना इजाजत की मेरी गाड़ी को रोक लिया आपने, और गाड़ी का चालान काट रहे हो, बता दिया गाड़ी का, आराम से आपने गाड़ी को चाबी निकाल के यहाँ लेके आए हो, कोई बात नहीं, मुझसे मेरी छीना चपटी करके मेरा फोन खोस रहे हो आप, ये गलत है कि सही है, बताओ आप बताओ, कोई बात नहीं, आप बताओ ये सही है कि गलत है, एक बार और पूछ रहा हूँ, कागज दे रहे हो आप ओरिजिनल आरसी या लाइसेंस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बार और पूछ रहा हूँ, कागज लाइसेंस दे रहे हो यार, प्रेम जी आप बताओ एक चीज बताओ, मैं आपसे कागज लाइसेंस दे रहे हो, मैं रखो ये मत हो आप, तो इसमें लिख दो जो लिखना है, सत्यता की जांच होगी बस, मैं कह रहा हूँ मैं तो ये बैठ जाए जो दे दिया लो लिख दो, मेरे को रीजन बताओ गाड़ी रोकने का, बस आप गाड़ी को बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिक्शा नहीं बना रखा पूरे जयपुर में, क्या इंडिया में मोटरसाइकिलों पे दूध बेच रहे हैं, मैं अकेला नहीं बेच रहा हूँ, कोई कोई सारे से मतलब नहीं है, पूरी दुनिया में चालान है क्या, आप बंद करा दो, आप तो अफसर हो, आप तो शासन प्रशासन में, आप तो बंद कराइए, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आप शासन प्रशासन में आप बंद कराइए, बात खत्म।